नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। सितंबर की पहली तारीख से कुछ नियम बदले जा रहे हैं। नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि 1 सितंबर 2022 से बदलने वाले नियम आखिर क्या हैं, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगस्त का महीना खत्म हो रहा है और सितंबर शुरू होने जा रहा है। हर महीने की शुरुआत में कई नियम और चीज़ों में बदलाव होता है। ऐसे ही सितंबर की पहली तारीख से कुछ नियम बदले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर से महंगाई की मार पड़ने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे, जनरल इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रॉपर्टी खरीदने और नई गाड़ी खरीदने के नियमों में बदलाव हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक KYC करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने वालों का PNB अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। PNB ने एक महीने पहले ही अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर आगाह कर दिया था। IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया है। अब इंश्योरेंस कमीशन पर एजेंट को 30-35% के बजाय केवल 20% ही कमीशन मिलेगा। इससे लोगों के प्रीमियम में कमी आएगी और उन्हें राहत मिलेगी। ये नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सितंबर मध्य से प्रभावी हो जाएगा। इससे आने वाले समय में बीमा प्रीमियम में कमी आ सकती है। इसके अलावा 1 सितंबर से नेशनल पेंशन स्कीम के खातों को लेकर भी नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम का खाता खोलने पर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का कमीशन मिलता है, जो नए नियमों के अनुसार अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब दिल्ली आने जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना आपकी जेब पर टोल का बोझ बढ़ाने वाला है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टोल में बढ़ोतरी को मंजूर कर दिया है। छोटे वाहन पर प्रति किलोमीटर 10 पैसे ज़्यादा लोन लेना होगा, वहीं बड़े कमर्शियल गाड़ियों पर प्रति किलोमीटर 52 पैसे ज़्यादा टोल चुकाना होगा। इसके साथ ही ऑडी कंपनी ने अभी अपने सभी मॉडल की कारें महंगी कर दी हैं। सितंबर से इस कंपनी की कार खरीदने पर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यह बढ़ोतरी 2.4% होगी और यह नए प्राइस 20 सितंबर 2022 से लागू किए जाएंगे। यदि आप प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। गाज़ियाबाद का सर्किट रेट बढ़ा दिया गया है, इसमें 2-4% की बढ़ोतरी की गई है और नए सर्किट रेट 1 सितंबर 2022 से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा 1 सितंबर को LPG के दाम में भी बदलाव हो सकता है। जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है, माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनी LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। आपको आगाह कर दें कि आचर ने अपने कई डेयरी प्रोडक्ट के दामों को बढ़ा दिया है। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ लालकुआ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रामीण आंचलों के दुग्ध उत्पादकों ने दूध खरीदी की दरों में 2 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की गई है, जो कि 1 सितंबर से लागू होगी। आंचल दूध और दूध उत्पादों की दरों में भी वृद्धि हो रही है। दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध प्रदातों के 10 प्रदातों में रेट बढ़ाए गए हैं। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हर महीने सरकार दावे करती है, मगर महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। LPG हो या दुग्ध उत्पाद, सड़क यात्रा हो या बैंकों की दर, हर क्षेत्र में महंगाई आम आदमी को कुचल रही है। सवाल ये है कि सरकार सच में नाकाम हो रही है या फिर सिर्फ झूठे दावे किए जाते हैं, चुनावी जुमले उछाले जाते हैं। इस बढ़ती महंगाई का जवाब दे आखिर कौन है? इन सवालों के जवाब मांगना आपका फर्ज भी है और आपका अधिकार भी। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही ऐसे ही और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे JJN News। धन्यवाद।